आर्मी का सोल्जर हूँ, मैंने कारगिल युद्ध भी लड़ा है, कारगिल युद्ध की पूरी घटना देखी है, बहुत खून खराबा देखा। लेकिन जो बच्ची की स्थिति देखी वो कारगिल के युद्ध से भी भयंकर थी, वो इतनी दर्दनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप मैं महिपालपुर से और दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो लगभग महिपालपुर रेड लाइट से 250 या 300 मीटर आगे एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में लड़की और लड़का नंग अवस्था में पड़े थे। तो मैंने आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ, तो मैं अपनी बाइक खड़ी करके उनके पास गया, तो मुझे लड़का बैठा हुआ मिला, खून में लथपथ था और लड़की वहाँ लेटी हुई, दोनों ही नंग अवस्था में थे। मैंने उससे पूछा, भाई ये बेटा कैसे क्या हुआ है आपके साथ? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम PVR से साकेत से मूवी देखने कराए, तो हमने ऑटो पकड़ा तो हम मुनिरका उतर गए, और मुनिरका से ये बस आ रही थी, तो हमने बस में, वो बस वाला चला रहा था कि द्वारका पैलम, तो हम उसमें बैठ गए, और उसमें वो छः बंदे थे, छः के छः दारू मतलब डिंक की हुई थी उन्होंने, और उन्होंने हमारे साथ ये अन्यर्थ किया और उन लड़के को भी मारा, और लड़की के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार और ये घटना को अंजाम दिया। मैं फिर बैक साइड में होटल में गया, होटल से एक बेडशीट लाया, एक बोतल लाया पानी की, और मैंने अपने कपड़े उतार कर लड़की को पहनाए और लड़के को, और बेडशीट में लड़की को लपेटा और लड़के के लुंगी की तरह बांधा, और उसके बाद मैंने फिर दोबारा मैंने फिर कॉल की। उसके बाद PCR आई, तो वो भी आपस में यही डिस्कस करते रहे कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, दोनों आपस में। तो मैं बोला भाई मैं तो आर्मी से रिलेटिव हूँ, तो मैंने ऐसा सुना था, लेकिन यार ये तो गलत है, ये कोई पाकिस्तान का एरिया थोड़ी है, आप बोल रहे हो इसका एरिया, वो बोल रहा है इसका एरिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने दूसरा बंदा जो था उससे रिक्वेस्ट करी, वो बड़ी मुश्किल से फिर वो उसमें गाड़ी में शिफ्ट किया, और फिर हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। मैंने वहाँ बंदे भी थे, लेडीज़ भी थी दो तीन, मेरे ख्याल 30-35 आदमी हो गए थे बाद में, मैंने कहा भी यार कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आया। आदमी मदद तो कोई भी कर सकता है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, या 2 घंटे में, या 4 घंटे में, पूरे दिन में कर देगा, लेकिन वो सोचता है कि मैं थाने के कितने चक्कर काटूंगा वो टाइम कहाँ से लाऊंगा, या मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा वो टाइम कहाँ से लाऊंगा। उसी उसमें मेरी, मैं प्राइवेट जॉब करता था, वो जॉब भी मेरी छूट गई इसी वजह से, क्यों मैं कोर्ट में चला गया, थाने में चला गया, तो वो बोले भाई आपने हमारा कंपनी से पहले पूछना था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं बोला जी मैं कंपनी का एम्प्लॉय सिर्फ 8 घंटे का हूँ, 16 घंटे मेरे, जो मैंने हकीकत देखा मैं वही बोलूँगा, मैं इस चीज़ के लिए आपका सुझाव या वो नहीं मानूंगा, चाहे मेरी नौकरी रहो या मत रहो। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं महिला रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बोला बेटा आपका नाम क्या है? बोली ज्योति। बोली अंकल मुझे बचा लो। Thank you.